हे व्हाट्सअप बड़ी, मैं यानी पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। अकाउंटिंग गुरु में आज हम समझेंगे मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आज हम समझेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस करता है कॉस्ट अकाउंट के पहले चैप्टर से। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर कॉस्ट अकाउंट स्टार्ट करो, कॉस्ट अकाउंट स्टार्ट करो। तो लो भैया, कॉस्ट अकाउंट शुरू हो गया है आप सभी के कहने पे। तो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉस्ट अकाउंट है क्या और समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एलिमेंट क्या है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए। पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अब अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझना है तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट और अकाउंटिंग को, दोनों को अलग अलग वे में समझते हैं। पहले हम कॉस्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम अकाउंटिंग को समझेंगे और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने कॉस्ट और अकाउंटिंग दोनों को अलग अलग किया है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? लागत। जब आप कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जो उसमें खर्चा आता है, जो उस विशेष वस्तु या सेवा को बनाने में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसी पैसे को क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। उसी पैसे को उसकी क्या कही जाती है? लागत कही जाती है। देखिए क्या लिखा है, उन सभी खर्चों व्यय से है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या सेवा का निर्माण किया जाता है। जब आप कोई भी वस्तु बनाते हैं, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण करता है तो निर्माण करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसा तो लगा ही लगा होगा। अब जितना पैसा लगा है उसी पैसे को क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। उसी पैसे को उसकी लागत कही जाती है। सपोज करो मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर मैंने कितने रुपए का खरीदा है? 20 रुपए का। मैं यानी कस्टमर, मैंने इसको 20 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो जब इसको मैंने 20 रुपए में खरीदा तो इस मार्कर की लागत मेरे लिए कितनी है? 20 रुपए है। हाँ सर, अब मुझसे पहले रिटेलर ने खरीदा होगा। मुझसे पहले किसने खरीदा होगा इस मार्कर को? रिटेलर ने खरीदा होगा। हाँ सर, और उसने खरीदा होगा 18 रुपए का। ठीक है, कस्टमर के लिए ये मार्कर 20 का, रिटेलर के लिए मार्कर 18 का। अब रिटेलर ने खरीदा होगा किससे? होलसेलर से। कितने का? मान लो 15 रुपए का। होलसेलर के लिए मार्कर कितने का? 15 रुपए का। अब मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया कितने रुपए में? 10 रुपए में। मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया कितने रुपए में? 10 रुपए। ध्यान दीजिए यहां पर समझना यह है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते रहे हैं इस मार्कर की कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। क्यों डिक्रीज हो जा रही है? रीजन इसका यह है कि इस मार्कर का हम कॉस्ट पता कर रहे हैं। इस मार्कर का हम क्या पता कर रहे हैं? कॉस्ट पता कर रहे हैं। और ये सब इसका सेलिंग प्राइस है। ये सब इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब भी कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वही आपका सेल प्राइस हो जाता है। वही आपका क्या हो जाता है? सेल प्राइस। फॉर एग्जांपल, 18 रुपए का रिटेलर ने खरीदा, 2 रुपया ऐड किया, तब जाके इसने कस्टमर को कितने रुपए में बेच दिया? 20 रुपए में बेच दिया। 15 रुपए का इसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, 3 रुपए ऐड किया, तब जाके इसने 18 रुपए में इसको बेच दिया। तो क्लियर हो गया, लागत का मतलब क्या होता
होता है वो खर्चा, वो व्यय जो कि किसी भी वस्तु के निर्माण में लगते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब हम अकाउंटिंग को समझेंगे। ध्यान दीजिए, जब खर्चों को एक बार कर लिया जाता है, जब खर्च हो जाता है पैसा, जब कोई भी वस्तु निर्माणित हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उन खर्चों की हमें क्या करनी पड़ती है बेटे, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। उन खर्चों की हमें क्या करनी पड़ती है बच्चे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना होता है उन खर्चों को। उन खर्चों को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, और साथ ही साथ उन खर्चों को हमें वर्गीकृत करना होता है। उन खर्चों को हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है अभी बताऊंगा, और लास्ट में उन खर्चों का हमें सारांश निकालना पड़ता है। लास्ट में हमें उन खर्चों का क्या निकालना पड़ता है बच्चे, सारांश निकालना पड़ता है। अब क्यों निकालना पड़ता है, ध्यान दीजिए, जब हम खर्चों को लिखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट लगी कितनी है। जब हम खर्चों को लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट लगी कितनी है। क्लियर हो गया? फिर जब खर्चों का वर्गीकरण होता है तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किस कौन कौन सी लागत लगी है। अभी समझाऊंगा, अभी मैं आपको लागतों का वर्गीकरण समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में सारांश, सारांश का मतलब यह है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, और उस टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में इसको क्या कर सके बेटे, सेल आउट कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रक्रिया है, वो विधि है जिसके माध्यम से लागतों को लिखा जाता है, जिसके माध्यम से लागतों का वर्गीकरण होता है, जिसके माध्यम से लागतों का सारांश निकाला जाता है, ताकि एंड ऑफ द ईयर हमें पता चल सके कि हमारी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी हुई है। क्लियर हो गया आपको? तो लागत लेखांकन का मतलब क्या होता है बच्चे, क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब समझिए, यहां पर आपको एक और चीज समझनी है, वो है आपका वर्गीकरण। जब हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं बेटे, जब भी हम किसी वस्तु का क्या करते हैं बच्चा, निर्माण करते हैं, तो मुख्यतः तीन प्रकार की लागतें लगती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की लागतें लगती हैं बच्चे, तीन प्रकार की लागतें लगती हैं। सबसे पहली लागत होती है आपकी सामग्री। सबसे पहली आपकी लागत कौन सी होती है, सामग्री, जिसे हम कहते हैं मटेरियल। और दूसरी लागत लगती है जिसे हम कहते हैं बच्चे लेबर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, लेबर। और तीसरी लागत होती है जिसे हम कहते हैं अदर एक्सपेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अदर एक्सपेंस। इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। तो खर्चों का अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो खर्चों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, सामग्री, दूसरा है श्रम, और तीसरा है अन्य। आओ समझते हैं बेटे। सपोज करो कि आपको एक घर बनाना है। आपको क्या बनाना है बच्चे, घर बनाना है। तो जब आपको घर बनाना है तो इस घर को बनाने में आपको कौन कौन सी लागतें हैं जो कि लगेंगी। सबसे पहले आपको सामग्री को इकट्ठा करना पड़ेगा भाई। घर बनाने की सामग्री जैसे ईंट हो गया, सरिया हो गया, मोरंग हो गया, बालू हो गया, तो ये सामग्री में आ जाएगा। हाँ सर, अब आपके पास सामग्री आ गई है तो क्या, एक बात बताओ, सामग्री आपके पास रखी है तो क्या वो रातों रात बिल्डिंग को खड़ा कर देगी? नहीं भाई, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी सर, लेबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चे, लेबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ सर, मुझे लेबर की हेल्प लेनी है भाई। एक मिस्त्री होगा और एक दिहाड़ी लेबर होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो सर हमें सामग्री भी समझ में आ गया, लेबर भी समझ में आ गया, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ। बेटा एक चीज बताओ, जब आप ये बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, तो क्या आपको जमीन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ सर, लेनी पड़ेगी। अब बताओ, जमीन क्या आपका मटेरियल है? सर नहीं। जमीन क्या आपका लेबर है? सर नहीं। तो भैया लैंड है क्या?
खर्चा तो है ना। हाँ सर, तो उसको हम क्या कहेंगे? अदर एक्सपेंस। जब इस बिल्डिंग का आप नक्शा बनवाओगे, आप क्या बनवाओगे? नक्शा बनवाओगे, तो क्या वो नक्शे में आप किसी आर्किटेक्चर से ही तो बनवाओगे, किसी आर्किटेक्ट से ही तो बनवाओगे? हाँ सर। तो क्या वो आपका लेबर है? क्या वो आपका मटेरियल है? नहीं सर, एक्सपेंस तो है, पैसा तो जा रहा है। हाँ सर, जा रहा है, तो कौन सा खर्चा? अदर एक्सपेंस। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो बेटे, जब हम लागतों की बात करेंगे तो लागतों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आपका मटेरियल। दूसरा क्या है? लेबर। और तीसरा क्या है बेटे? अदर एक्सपेंस। क्लियर हो गया? हाँ सर। ध्यान यहां पे और देना है सर। क्या बेटे, कॉस्ट अकाउंट में इन लागतों को भी और भागों में बांट दिया गया है। कॉस्ट अकाउंट ने आपकी सहायता के लिए, आपको समझने के लिए, इस मटेरियल को भी दो भाग में बांट दिया है। सर कौन से भाग में? बताता हूं। पहला है आपका डायरेक्ट। पहला है आपका क्या? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा क्या है आपका? इनडायरेक्ट मटेरियल। पहला है आपका डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा क्या है आपका? इनडायरेक्ट मटेरियल। किसने बांटा? कॉस्ट अकाउंट ने बांटा। अब लेबर को भी इसने बांट दिया। सर कैसे? वही अपना डायरेक्ट लेबर और फिर आपका इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, क्लियर? हां सर, क्लियर हो गया। अब अदर एक्सपेंस की बात करेंगे तो बेटे, अदर एक्सपेंस में भी दो भाग हैं। पहला है आपका डायरेक्ट, जो कि अब अप्लीकेबल नहीं है। मैंने लिखा है जानबूझ के और लिखने के बाद काट भी दिया है। क्यों काट दिया है? क्योंकि बहुत से टीचर आज भी डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़वाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेंस का सिर्फ एक भाग है और जिसे हम कहेंगे क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहेंगे बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक और नाम है जिसको हम कहेंगे बच्चे ओवरहेड। क्या बोलेंगे बेटा? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ध्यान दीजिए, इन दोनों के अलावा जो खर्चा आए वो खर्चा आपका क्या हो गया? अदर एक्सपेंस। देखो क्या लिखा है, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या सर? तो भैया, मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो खर्चा आपके सर पे आए वही खर्चा आपके लिए क्या हो जाएगा? अदर एक्सपेंस हो जाएगा। वही खर्चा आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे? अदर एक्सपेंस हो जाएगा। अब आपको और क्लियर समझाता हूं। फिर से आ जाओ उसी बिल्डिंग पे जो हम बिल्डिंग बना रहे थे। यहां पर आपने मटेरियल मंगाया था। हाँ सर, आपने क्या मंगाया था? सीमेंट मंगाया था, आपने मोरंग मंगाया था, आपने बालू मंगाया था, आपने स्टील मतलब सरिया मंगवाया था, आपने डॉक्टर फिक्सिट मंगवाया था, हाँ या ना? हाँ सर। और आपने वॉटर मंगवाया था। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो यहां पर सीमेंट, ध्यान दीजिए, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, पहले ये समझ लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, पहले ये समझ लो, इसके मतलब को समझ लो, इसके अर्थ को समझ लो, फिर उसके बाद आप लोग इसे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है वो लागत जिसके बिना काम ही ना हो। ध्यान से सुनो, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लागत के मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जिसके बिना वो काम ही संभव ना हो, वही आपके लिए क्या होगा? प्रत्यक्ष खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या सीमेंट के बिना आपकी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं सर। क्या मोरंग के बिना आपकी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं सर। क्या बालू के बिना आपकी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं सर। हां सर, हां सर। पहले के जमाने में मोरंग का बालू का इस्तेमाल होता था घर के बनने में, लेकिन आजकल नहीं होता। क्या सरिये के बिना आपकी लिंटर लग जाएगी? नहीं सर। क्या डॉक्टर फिक्सिट की वजह बिना आपका घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? सर ये डॉक्टर फिक्सिट क्या होता है बेटे? ये वाटर प्रूफिंग जिसे हम कहते हैं। तो क्या वाटर प्रूफिंग के बिना आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी? सर हो जाएगी। तो देखो, लेकिन फिर भी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? हाँ सर, लगा रहे हैं।
तो बेटे वो खर्चे जिसके बिना आपका काम ना हो वही खर्चे आपके प्रत्यक्ष होंगे, और जो खर्चे सिर्फ डायरेक्ट खर्चों को सपोर्ट करते हो, जो खर्चे डायरेक्ट खर्चों को सपोर्ट करते हो उन्हीं खर्चों को कहा जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। उन्हीं खर्चों को क्या कहा जाएगा बच्चों? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसके बिना काम ना हो वो आपका प्रत्यक्ष, और जिसके बिना काम ना हो वो आपका अप्रत्यक्ष। लेकिन अप्रत्यक्ष की एक खासियत है वो ये कि वो प्रत्यक्ष के साथ जब मिल जाता है तो वो कार्य को और तेज कर देता है, कार्य को क्या करता है और तेज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो तरह के मजदूर हैं, एक है मिस्त्री एक है लेबर, एक है मिस्त्री और एक है क्या आपका लेबर। क्या मिस्त्री के बिना आपकी बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं सर। लेकिन लेबर 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 क्या करता है? सपोर्ट करता है कि नहीं करता? हाँ सर, सपोर्ट करता है। और जब लेबर सपोर्ट करता है तो मिस्त्री का काम फटाफट और तेजी से हो जाता है कि नहीं होता? हाँ सर, हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने डॉक्टर फिक्सिट लगाया तो ये भाई एक सॉलिड मिक्सचर बनेगा, ये अच्छा मिक्सचर बनेगा जो घर को सीलन से बचाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो बेटे आपको प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष लेबर, अप्रत्यक्ष लेबर और अन्य खर्चे जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं होता, सब खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। सभी खर्चे, अन्य जो सभी खर्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। ध्यान दीजिए, जो आपके अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं बच्चे, जो आपके क्या होते हैं बच्चे? अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उसको तीन भागों में बांटा गया है। उसको कितने भागों में बांटा गया है बच्चे? तीन भागों में बांटा गया है। आओ पहले समझते हैं। पहला है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस ओवरहेड, दूसरा क्या है बच्चे? ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कुछ किताबों में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग बांटा गया है और कुछ किताबों में। तो बेटे ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, या मैं ये कहूं कि एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट ये है। ठीक है, अब हम समझेंगे बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंट, क्या उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंट पढ़ने का। तो पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चे, पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप कॉस्ट अकाउंट की सहायता से, कॉस्ट अकाउंट की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का टोटल कॉस्ट और साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से, आप कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आप क्या कर सकते हैं बच्चे? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि आप कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। हां सर, अब जब आप कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कर लेंगे तभी तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई जब आपको पता होगा कि आपका मटेरियल कितना लगा, आपका लेबर कितना लगा, आपका अदर एक्सपेंस कितना लगा, तभी तो आप उसकी क्या कर, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट की रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो आपको कॉस्ट कंट्रोल में भी क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर हो गया? हां। तीसरा बेटा ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट पता है, आपने कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की है। अब आप उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या कर सकते हो बच्चे? आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि बेटा
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेल प्राइस ही तो होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेल प्राइस ही तो होता है। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो बेटे ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चे आज क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, मतलब ट्यूसडे की क्लास जब आपको मिलेगी, तो वहां पर हम जानेंगे मेथड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कि बताती हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस ऑर्गेनाइजेशन में किस मेथड को अप्लाई करना है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस परिवार की सदस्यता नहीं लिए हैं तो प्लीज इस परिवार की सदस्यता ले लीजिए। और लेने के लिए करना क्या है, वही अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।